पत्नी का सताया पति पहुंचा एसपी के पास, पत्नी के प्रेमी पर लगाया बेटे के अपहरण का आरोप। शिवपुरी में पत्नी का सताया हुआ एक पति शुक्रवार को एसपी ऑफिस में बेटे और मकान को वापस दिलाए जाने की गुहार लेकर पहुंचा। अमोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सिला नगर के रहने वाले पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देते हुए बताया कि एक साल पहले उसकी पत्नी को ग्वालियर का रहने वाला बादल सिकरवार भगा कर ले गया था, जिसके बाद बादल सिकरवार और अरविंद लोधी ने उसके मकान पर भी कब्जा कर लिया। वहीं अब पत्नी, उसके प्रेमी बादल सिकरवार और अरविंद लोधी ने उसके 13 वर्षीय नाबालिग बेटे को 8 दिन पहले कहीं गायब कर दिया। पीड़ित ने पुलिस से उसकी बेटे को बरामद करने और उसका मकान वापस उसे दिलाए जाने की गुहार लगाई है। कहाँ से आए हो? क्या मामला लेके आए? लड़का मेरा गाँव। हाँ, कितने साल का है? 13 साल। कौन ले गया? बादल और अरविंद। कहाँ की है ये? सलानगर, बादल ग्वालियर। तो क्यों ले गए, मतलब कोई कारण है क्या? रंजस मंजस है क्या कोई? रंजस। कैसी लड़ाई चल रही थी? कौन सी लड़ाई? कैसी? जमीन की? मकान में रह रहा है, मेरा मकान कब्जा कर लिया। अच्छा, कब्जा कर लिया। तो पत्नी कहाँ है आपकी? सलानगर। पत्नी को भी ले गए क्या? पत्नी मकान पर ही है मेरे घर से। अच्छा, मकान पर ही है। तो आपके साथ रहती हैं क्या? नहीं, मेरे दूसरी के साथ रहती है। अच्छा, उन्होंने अपने साथ रख लिया। तो कब से रखा है वो? 20 साल हो गए। पत्नी को? हाँ। और बच्चे को भी ले लिया है? बच्चे को अब घात कर दिया है, पता नहीं। बच्चा मेरे साथ रहता था। हाँ, लेकिन अब मैंने 8 दिन से पता नहीं चला। 8 दिन से पता ही नहीं है बच्चा कहाँ है। तो किस पर सके तुम्हें? बादल पर और राजकुमारी पर, अरविंद। तो क्या चाहते हो तुम? तो बच्चा अच्छा नहीं, बच्चा को पता पड़ जाए। और पत्नी? पत्नी नहीं, पत्नी उन्हीं के साथ रह रही है। तो मान गए आप उसमें? हाँ।